वाले बैच में, न्यूटन स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो लोग भी मॉक क्लियर नहीं कर रहे हैं उनका वो लोग टर्मिनेट कर रहे हैं सारा प्रोसीजर, मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो गलत कर रहे हैं फिर न्यूटन वाले। तो मैं एक दो बार जो भी उनके जो मैनेजर हैं, क्या मैं एक बार उनसे बात करके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जो है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या ये सच में हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, सो गाइज कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज आज है 6 फरवरी और टाइम अभी हो रहा है 1:05। तो थोड़ा सा आज लेट जगा था यार, और क्योंकि रात में लेट से सोए थे करीब 1-2 बजे के आसपास, तो जगने में थोड़ा सा टाइम लग गया। 10 बजे उठे, उसके बाद ऐसे ही यूजुअल नाश्ता किए, सब कुछ हुआ, और 12:30 बजे मीटिंग थी HR VP की और मैनेजर के साथ। तो वो मीटिंग अटेंड करा, करीब आधे घंटे की है, आधे घंटे की मीटिंग थी। और मीटिंग अटेंड करने के बाद अभी फ्री हुआ हूँ और ऐसे ही सोचा कि लोगों को शेयर कर दूं ये बातें। तो गाइज मीटिंग में हुआ ये कि अभी हम लोग का टीम एलोकेट नहीं हुआ है, मतलब कौन सा टीम में रहना है अभी वो टीम एलोकेट करके नहीं दिया है। अभी ऐसे ही कैजुअली चल रहा था सब कुछ, और जैसे ही टीम एलोकेट हो जाएगा तो कौन सा टेक स्टैक मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ कौन से फ्लोर पे जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, और कितना दिन ट्रेनिंग रहेगा, वैसे तो 6 मंथ बताया इन्होंने, और क्या पैटर्न क्या रहेगा ट्रेनिंग का। मतलब जैसे होता है, एक पैटर्न होता है कि आप ट्रेनिंग करो, हर एक वीक आपका टेस्ट होगा, तो अगर वो पैटर्न है तो वो बहुत ही सही रहेगा, ताकि सब सीरियसली पढ़ पाएंगे, ट्रेनिंग को ले पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था, तो मीटिंग में यही सब बताया गया था और कुछ खास नहीं। तो मीटिंग अभी जस्ट फिनिश हुआ है और बस ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइज अब देख सकते हो रूम की सर्विसिंग हो चुकी है अच्छे से, यहाँ मेरा लैपटॉप और सब था, ये टेबल ऐसे ही रहता मेरा सबसे ज़्यादा गंदा, कोई बात नहीं। उसके बाद गाइज आज रूम सर्विस वालों की तरफ से कुछ स्पेशल मिला है, तो चलो आज देखते। इतना दिन पहले नहीं दिया था, आज ही दिया, पता नहीं क्यों बोलता है आज ही आया है, तो चलो देखते क्या मिला है। तो मिला है स्लीपर, मतलब चप्पल, और उसके बाद मेडिकिट, छोटा सा हैंडी प्लास्ट। तो देखो गाइज ये चप्पल मिला है, बहुत ही पतला है, यूजन थ्रो के लिए, ठीक, जूट का बना हुआ है गाइज। पहन के देखो क्या पैर में आता है कि नहीं, मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ बट आप लोग को दिखाने के लिए। गाइस ये 5 ग्राम का भी नहीं होगा, तो सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसको दोनों हाथ से खींचो तो ये फट भी जाएगा। तो ये मिला है, और उसके बाद यहाँ पे एज यूजल 2 पानी का बोतल रहता है, और ये सारे रिमोट्स, यहाँ पे ये मॉइस्चराइजर है शायद, हाँ, और ये आपका शैम्पू हो गया, ये आपका सोप हो गया, ये साबुन है छोटा सा, और ये क्या दिया है, ये आपको दिया है, ये किट दिया है क्या किसी का, अच्छा ये हैंडी प्लास्ट है, ऊपर से ये ईयरबड्स दिया है क्या, हाँ यूज़ करने के लिए अगर कुछ कट फट जाए तो। ये सारी चीज़ें मिली है आज, इससे पहले गाइज ये सब चीज़ नहीं देता था, आज दिया है, बोलता आज ही आया है इसीलिए, तो कोई बात नहीं, मिल तो गया ना। उसके बाद ये रही रूम की सर्विसिंग, हो चुकी है अच्छे से, और ये जो लैपटॉप है ना गाइज ये कंपनी की द्वारा दी गई है, ठीक है, HP का है, i7 प्रोसेसर, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स, आप लोग इसका प्राइस सर्च करके बताना कितना इसका प्राइस है, ठीक है, कमेंट में प्राइस बताना। कंपनी के अलावा कोई काम आप इसमें नहीं कर सकते, यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या नहीं कर सकते, जैसे YouTube खोल लिए, मूवी देखना स्टार्ट कर दिए, ना बिल्कुल नहीं, आप पे वो ट्रैक रखे हुए हैं, अगर कुछ भी आप इलीगल करते हो, मतलब इलीगल नहीं, कुछ भी गलत करते हो जो उसकी गाइडलाइन में नहीं है, तो ये मैसेज भेज देता है और सारा रिपोर्ट उनके पास चला जाता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन सा ब्राउज़र खोला। तो अगर उनको लगेगा कि आपने कुछ गलत ब्राउज़र खोल लिया है तो फिर वो लोग आपका IT ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ये वियर लग रहा है कि इन्होंने जो 1 वीक का टाइम दिया है आपको, उस वीक में कम से कम ये बता देते कि बेटा ये सारी कोर्सेज है तुमको करना है, तो कम से कम आदमी पढ़ता, हाँ कुछ ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसे अभी दिन भर बैठे रहते हैं, मन होता है तो मूवी देख लेते अपने लैपटॉप में, या नहीं तो मन होता है तो कुछ ऐसे ही कहीं से कोई आर्टिकल निकाल के पढ़ना, शॉर्ट कोडिंग वाला पार्ट देखना, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखना, यार वो सब देख के कितना, वो सब तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है आप वो तो सिखाओ ना, ये तो पहले से आता है मेरे को, आप क्या सिखाने वाले हो, आप क्या बताओगे, कंपनी आपकी कैसे चलती है, कितने कोड
किसको कितना अमाउंट ऑफ कोड करना होता है, ये सब चीज़ सुन, मतलब अंदर से जिज्ञासा हो रहा है कि जाने कैसे होता है ये सब, कोई तो बताए। ठीक है, पहले का पढ़ा हुआ कितना काम आता है अभी। और जैसे आपको भी अगर टाइम मिले तो, जैसे मेरा एक है दोस्त है, पूरा टाइम यूज़ करता है वो मूवी देखने में। ठीक है, एडीपी में नहीं है, अलग है, अभी वो भी ज्वाइन हुआ है अभी अभी। तो बोलता है कि भाई कुछ नहीं कर, पता नहीं ये गाइस ये सब लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, पता है आपको, पढ़ते रहेंगे बोलेंगे मूवी देख रहा है। ठीक है, तो जब भी उसे कॉल करके पूछते क्या कर रहा है भाई, तो बोलता है मूवी देख रहा है। बोलते यार दिन भर तो मूवी देखता रहता है। ठीक है, तो ये सभी ट्रैप में मत फंसना आप। अभी आपके दोस्त खुद वो पढ़ रहा होगा, आपको बताएगा कि वो मूवी देख रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से बच के रहना आप। हाँ, तो चलिए अभी थोड़ा देर मैं क्या करता हूँ ना, कुछ वो जो मेरे मॉड्यूल बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। साथ में आप भी आओ और हेल्प करो मॉड्यूल कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अभी बस तीन मॉड्यूल, तीसरा कल मैंने कर लिया था, आज मेरे को चौथा पांचवा दो मॉड्यूल बचा हुआ है, दोनों करना है, तो मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तीन पार्ट में, पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट टू में फिर पांच मॉड्यूल रहेंगे। तो उसी तरीके से मॉड्यूल बनते जाते हैं। गाइस कल वाले ब्लॉग्स पे लाइक तो नहीं मिले ज़्यादा, बट हाँ डिसलाइक भी नहीं मिले, तो पूरा सा लग रहा है कि पसंद आ रहा है आप लोगों को ब्लॉग्स, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये तो है। अरे भाई डिसलाइक भी किया है किसी ने, एक डिसलाइक मिला है गाइस, 18 लाइक पे एक डिसलाइक मिला है, इतना मैं उम्मीद किया था कि मिलेगा। तो देखो जहाँ सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, वहाँ चार लोग पैर खींचने वाले भी होते हैं। छः में से अगर दो लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो चार लोग आपको पैर पकड़ के नीचे खींचेंगे, यही दस्तूर है भाई, क्या करें मानना तो पड़ेगा। पता नहीं किस बात की जलन होती है लोगों को, क्यों जलन होती है हमें ऐसे। खैर कोई बात नहीं, लोगों का माइंड सेट चेंज तो नहीं कर सकते, बट उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी खुशियाँ मिली मेरी साइड से आपको, और अगले बार से आपको डिसलाइक करने का चांस ना दें हम। सो ही गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:24। ठीक है, और मॉड्यूल मैंने अपने कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट पार्ट के पांचों मॉड्यूल, अब सेकंड पार्ट में आ गए। अब सेकंड पार्ट के में, सेकंड पार्ट में भी पांच मॉड्यूल है, उसको भी कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी से। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद गाइज थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद मन नहीं हो रहा है अभी कुछ करने का, अभी सर दुख रहा है थोड़ा। और सुबह में जो ब्रेकफास्ट खा लिए थे पराठा, वो अजीब सा लग रहा है, ज़्यादा ऑयली था आई थिंक, और उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है मन। हाँ, तो ये रही बात। अब इसके बाद गाइज कुछ करने वाला नहीं हूँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। और इसके बाद अभी मैं कुछ घर वालों से कुछ बात करूँगा, एक दो लाइन जो भी होता है, क्योंकि दो दिन से बात नहीं किया हूँ, तो घर वाले से बात करेंगे, जो भी फ्रेंड लोग से थोड़ा बहुत बात होगा करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। 6 बजे से पहले ट्राई करेंगे सोने का और सो जाएंगे, क्योंकि रात में जगना होता है, 1 बजे से जगना होता है मुझे कंटिन्यू 4 बजे तक। तो ऐसे तो फिर सोएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए अब सोने वाले हैं। और खाना खाने अभी नहीं जाएंगे गाइज, क्योंकि अजीब सा लग रहा है आज, खाने का तो मन वैसे भी नहीं कर रहा, तो बस सोते हैं। और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में, इस ब्लॉग के लिए माफ़ी चाहेंगे, पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिखाया। और वैसे भी कुछ करने है, सोते हुए क्या ब्लॉग दिखाएं, कुछ कहीं कर रहे होते हैं कुछ नया एक्स्ट्रा, तो उसका ब्लॉग बनता है, सोते हुए क्या ब्लॉग बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए ट्रप भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी ये ब्लॉग पसंद आ रहा ना गाइज, थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ बंदा एफर्ट डाल रहा है, तो गाइज लाइक जरूर देना मेरे को, आपके लाइक्स की बहुत नीड है अभी। और भले शेयर मत करो, लेकिन लाइक जरूर दिया करो। ठीक है, और जितना भी चीज़ होता रहेगा टेक्स से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, सारा कुछ मैं बताते रहूँगा इस ब्लॉग में। जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जनवरी वाले बैच में, न्यूटन स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो लोग भी मॉक क्लियर नहीं कर रहे हैं उनका वो लोग टर्मिनेट कर रहे हैं सारा प्रोसीजर, मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं फिर न्यूटन वाले। तो मैं एक दो बार जो भी उनके जो मैनेजर हैं, क्या मैं एक बार उनसे बात करके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जो है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या ये सच में हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत निश्चिंत रहो आप। है कुछ एक दो लोग से बात करता हूँ मैं, न्यूटन स्कूल के जो भी एम्प्लॉई हैं, तो देखते हैं अगर ये सच में ऐसा है तो फिर पूछूंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर बहुत सारे स्टूडेंट को। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं इनसे पूछूंगा, तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है उन लोगों का।
और वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। टाटा बाय गाइस, गुड इवनिंग, क्या मैं अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट ही बोल सकता हूँ अब। ठीक है, मिलते हैं दूसरे आने वाले वीडियोस।